एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी ऋषिकेश के ताजा दर्शन करने वाले। 10 मार्च की ये वीडियो है। 10 मार्च को मैं ऋषिकेश गया था और ऋषिकेश जाकर बहुत ही अच्छा लगा। और वो रीजन क्या है उसके पीछे, वो अभी जब आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें, ताज़ा माहौल के बारे में जानकारी मिलेगी और आजकल श्रद्धालु कितने आ रहे हैं उसकी जानकारी मिलेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट पर। और यहां देखिए इंटरनेशनल योगा डे की तैयारी चल रही है। और योगा डे का जो इंटरनेशनल योगा डे का ये पूरा वीक है, फेस्टिवल है, जो कि परमार्थ निकेतन घाट पर बनाया जा रहा है। और पूरे कह सकते हैं कि वर्ल्ड से बहुत सारे कंट्री से लोग यहाँ पर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी जो इंडियन है, जो हमारे देश के लोग हैं, बच्चे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो दृश्य आपने देखे। और थोड़ी देर पहले आपने देखा था बहुत सारे विदेशी जो हैं हरे रामा हरे कृष्णा भजन गाते हुए जा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो सनातन धर्म है उसको विदेशी अपनाते जा रहे हैं, तो कुछ तो खास बात होगी। तो आप सभी इसी तरह वीडियो को शेयर करते जाइए और लोगों तक ऐसे जो मैसेज हैं वो ज़रूर पहुँचाते जाया करें कि देखिए कितने संख्या में विदेशी आते हैं और हरे रामा हरे कृष्णा, एक तरह से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अब विदेशी लोग कर रहे हैं। तो हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। और फिर से एक बार देख सकते हैं योगा के लिए बच्चे जो हैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करते जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। अभी हम दूसरी जगह पर भी चलेंगे, बाकी जो ऋषिकेश के मुख्य स्थान है वहां से भी दर्शन कराएंगे। ये देखिए इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 और यहां पर है परमार्थ निकेतन आश्रम। परमार्थ निकेतन आश्रम रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार लोगों को रूम नहीं मिल पाता है। तो अगर आसानी से रूम मिल जाए फिर तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर भागवत कथा और ऐसे जो फेस्टिवल हैं होते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए बजरंग बली भगवान के आपको दर्शन कराते हैं। परमार्थ निकेतन घाट में बजरंग बली भगवान की एक बहुत विशाल प्रतिमा है। यहाँ पर देखिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि हनुमान जी को जय श्री राम कहने वाले लोग बहुत पसंद थे और वो खुद भी जय श्री राम कहते थे। तो आप लोग लिखते जाइए और अभी हम चलते हैं आगे की ओर। वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 10 मार्च की ये वीडियो है तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए थे। देखिए हर तरफ काफ़ी भीड़ है। अभी हम आगे गीता भवन की ओर ले चलेंगे। काफ़ी लोग आ रहे हैं आजकल, जबकि अभी भी बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और जिन लोगों के एग्ज़ाम हो गए हैं बच्चों के, तो पेरेंट्स के लिए ये मौका होता है जैसे एग्ज़ाम हो जाते हैं, चलो हरिद्वार ऋषिकेश की ओर चलते हैं। ये एक छोटी सी मार्केट है जो कि गीता भवन और परमार्थ निकेतन के बीच में है। अक्सर जब हम यहाँ से निकलते हैं तो वीडियो में ज़रूर लेते हैं इस मार्केट को, बहुत सुंदर सी मार्केट है। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं गीता भवन के सामने। ये है गीता भवन जहां पर सैकड़ों रूम है, यहां भी श्रद्धालु रुकते हैं। खास तौर पर जो फैमिली के साथ आते हैं, बुजुर्ग जो लोग होते हैं, उनको यहां पर प्रेफरेंस दिया जाता है। और कई बार लोगों को रूम नहीं भी मिल पाता है तो बहुत शिकायत भी रहती है। अब चलते हैं राम झूला की ओर और उस तरफ के भी आपको हम ताज़ा जो दृश्य हैं वो दिखाएंगे। राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लग रही है आप सभी को कमेंट जरूर किया करें, और प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से अपने जहां पर भी इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऋषिकेश के जो ताज़ा दर्शन है वो कर सकें। थोड़ा सा इंतज़ार करें, कुछ ही देर में राम झूला के पास हम पहुँचने वाले हैं और लेफ्ट साइड में आपको राम झूला के कुछ दृश्य दिखाई दे रहे होंगे, तो बेसब्री से इंतज़ार होगा आप सभी को। और देखिए हर तरफ श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी जगह पर ही श्रद्धालु हो, यहाँ पर ये जो रोड है बहुत ही ज़रूरी रोड है, क्योंकि जितने भी ऋषिकेश के अच्छे आश्रम हैं इसी रास्ते में है। इसी रास्ते में आपको कई कैंटीन मिल जाएंगी जहाँ पर अच्छा भोजन मिलता है, 80 रुपये से 100 रुपये के बीच में यहाँ पर कई कैंटीन मिलती हैं जहाँ पर अच्छा भोजन आपको मिलेगा। उसके साथ साथ कपड़ों की गीता प्रेस की भी यहाँ पर दुकानें हैं, उसके गीता भवन का भोजनालय भी है, गीता भवन की मिठाई की दुकान भी यहीं पर है, तो बहुत ही खास ये रोड है, तो आप लोग इस रोड को ध्यान रखें। रुकने के लिए तो बहुत सारे रूम हैं, उसके साथ साथ अन्य सुविधाएं भी हैं, और सबसे मेन है कि माँ गंगे की आरती जो है परमार्थ निकेतन घाट पर होती है, तो अगर आप इस जगह आसपास रुकते हैं 1 किलोमीटर सराउंडिंग में तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह होगी। और यहाँ से जैसे ही अब हम लेफ्ट मुड़ेंगे तो हम राम झूला के बिल्कुल पास में पहुँच जाएंगे। ये देखिए कितने सारे श्रद्धालु जो है आते हैं, और ये जो रूट है इसमें पैदल आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रिक्शा ई रिक्शा या ऑटो अलाउ नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको पैदल ही ट्रैकिंग करनी होगी। और ये देखिए सामने आपको राम झूला के सुंदर नज़ारे नज़र आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए। अभी हम थोड़ा सा पास से आपको दर्शन कराते हैं। इस जगह को स्वर्ग आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ग आश्रम का जो एरिया है काफी बड़ा है, और यहाँ पर आप सभी राम झूला के अच्छे से दर्शन करें। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। अभी लक्ष्मण झूला की तरफ कार्य चल रहा है, लक्ष्मण झूला बंद है, उस तरफ बहुत कम लोग जाते हैं, बजरंग सेतु का कार्य हो जाएगा और उस तरफ बहुत सारे लोग जाएंगे, तो उधर भी हर बार हम कवर किया करेंगे। राम झूला के दर्शन करते जाइए, ऐसी ही लगातार वीडियो देखना है तो फॉलो जरूर कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद जय गंगे माता।